हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आप सभी के साथ। और आज से मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। आई होप जैसे मेरे अन्य वीडियोस आप लोगों को पसंद आते रहे हैं, वैसे ही ये सीरीज भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ये इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने से पहले हम ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। एक बार ऑर्गेनाइजेशन को समझ लिया तो फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझना इजी हो जाएगा। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कोई संगठन, कोई सेटअप, कोई अरेंजमेंट जिनके द्वारा किन्हीं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज, डिवाइडिंग वर्कलोड्स, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रुपिंग टास्क एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेस। सो किन्हीं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट टास्क, डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट रिसोर्सेस जब एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होते हुए, एडजस्ट करते हुए, ऑर्गेनाइज्ड होते हुए, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन का सहारा लेते हुए सामूहिक रूप से जब उन ऑब्जेक्टिव्स को पाने का प्रयास करते हैं तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोई फिजिकल एंटिटी, कोई बिल्डिंग, कोई ब्रांड, कोई ह्यूमन बीइंग या फिर कोई प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन एक पूरी की पूरी प्रोसेस को डिफाइन करता है जिसमें एक पूरा सिस्टम वर्क करता है। ऑर्गेनाइजेशन को समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग जो भी करता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करता है। ना सिर्फ उसकी बॉडी कोई वर्क करती है, ना सिर्फ उसके ऑर्गन्स कोई वर्क करते हैं, ना सिर्फ उसका माइंड या उसके थॉट्स वर्क करते हैं, बट ये सारी की सारी चीज़ें एक इंटीग्रेटेड तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से परफॉर्मेंस के साथ में एक स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करते हैं। सो अ ह्यूमन बीइंग इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो जिस तरीके से एक इंडिविजुअल या फिर एक ह्यूमन बीइंग का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो सिस्टम होता है, उसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स मिलके इंटीग्रेट होकर किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक दैट किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफरेंट फैक्टर्स मिलके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। बट इन डिफरेंट फैक्टर्स में जो ह्यूमन बीइंग है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। वॉलमार्ट के संस्थापक एंड सीईओ सैम वॉल्टन भी पीपल को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हुए कहते हैं कि पीपल आर द की टू ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल का रोल है, दैट इज़ सेंट्रल। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यदि कोई है तो वो पीपल हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल सारा का सारा वर्क पीपल्स के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, मैनेज किया जाता है। ये कोई सिंगल फैक्टर नहीं है बट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटीज अनलिमिटेड है एंड जो बिहेवियर है वो अनप्रिडिक्टेबल है। तो इस अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर को समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड ऑर्गेनन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कोई टूल, कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई ऑर्गन। तो इन सारी बातों से दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल कर सामने आते हैं। पहला तो ये कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम होता है जो कि इंडिविजुअल, डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट रोल, टास्क, डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के इंटीग्रेशन को परिभाषित करता है। और दूसरा ये कि जो पीपल होते हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल होते हैं इस सिस्टम में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं उस सिस्टम का। तो जब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात आती है तो हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को दो लेवल पर समझना होता है। पहला तो माइक्रो लेवल पर, यानी कि इंडिविजुअल एम्प्लॉई के लेवल पर उसके बिहेवियर को समझकर हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को समझ सकते हैं। और दूसरा लेवल होता है मैक्रो लेवल, जिसमें हम एक बिग पिक्चर को फोकस करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन को होल, एज अ होल यूनिट के रूप में
एनालाइज करते हैं, जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं उनको एनालाइज किया जाता है। तो जब हम माइक्रो लेवल पर इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को समझते हैं, उसमें हम इंडिविजुअल थ्योरीज को पढ़ते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स को पढ़ते हैं, इंडिविजुअल्स के जो बीच में डिफरेंसेस हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, एम्प्लॉई के एटीट्यूड को समझते हैं, मोटिवेशन को समझते हैं, लीडरशिप, ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप डिसीजन मेकिंग आदि जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो माइक्रो लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए स्टडी किए जाते हैं। जबकि ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, ये मैक्रो लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को समझने के लिए स्टडी की जाती हैं। और ये क्यों किया जाता है? रॉबिन्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की डेफिनेशन देते हुए कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर is a field of study that investigate the impact that individuals, groups and structure have on behavior within organization for the purpose of applying such knowledge towards improving organization's effectiveness. yani agar managers organization ko effective banana chahta hai to use organization ke behavior ko samajhna zaruri ho jata hai और इस ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी के थ्रू ही समझ सकता है, तभी वो उन बिहेवियर का कॉज जान सकता है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग डिज़ायर्ड बिहेवियर को प्राप्त करना या जो अनडिज़ायर्ड बिहेवियर सामने आ रहा है उसको एलिमिनेट कर पाना तभी संभव हो पाएगा जब मैनेजर ओबी को स्टडी करेगा और डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, स्ट्रक्चर का एक दूसरे के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इसको समझ पाएगा। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है ये डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है ऑर्गेनाइजेशनल के फिनोमिना को, बिहेवियर को, और जो मैनेजमेंट होता है वो इस इंफॉर्मेशन, इन डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करता है और उनको अप्लाई करता है। तो यानी कि अगर मैनेजमेंट को, अगर मैनेजर्स को जो डे टू डे लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स को डील करते वक्त जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं उनके, उनका सॉल्यूशन चाहिए, तो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को पहले समझना पड़ेगा। ओबी की स्टडी मैनेजर्स के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है इसको हम कुछ दो तीन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मैनेजर्स जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो ज़्यादातर रिलेटेड होती हैं वर्क प्लेस के इश्यूज से। जिस तरीके से कोई इवेंट मैनेजर कहता है कि उसके एम्प्लॉय क्राइसिस के समय पर उसका साथ नहीं देते, या फिर कोई सेल्स मैनेजर कहता है कि जो मेरा सेल्स स्टाफ है वो लगातार एरर कर रहा है प्राइसेस को कोट करने में, सर्विस को डिलीवर करने में, तो उन चीज़ों को मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल बिहेवियर से रिलेटेड होती हैं। एक यूनियन ऑफिशियल भी यूनियन को मैनेज करने में कैपेबल नहीं हो पाएगा अगर उसके मेंबर्स कमिटेड नहीं होंगे यूनियन की वैल्यूज़ के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं। मार्केटिंग मैनेजर भी कई बार इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उसके अंडर में एम्प्लॉयज़, मार्केटिंग स्टाफ जो होता है वो प्रोडक्शन स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता। ऐसे केसेस में हर जगह पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की थ्योरीज को अप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है, उनकी समझ ज़रूरी हो जाती है, तभी मैनेजर्स इन प्रॉब्लम्स को डील कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन को समझने के बाद, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को समझने के बाद में अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के टोटल 6 फंडामेंटल्स हैं जिनको नेचर ऑफ पीपल एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। इन 6 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में से 4 कॉन्सेप्ट रिलेटेड हैं पीपल, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के इंडिविजुअल होते हैं उनके नेचर से, और जो 2 कॉन्सेप्ट हैं वो रिलेटेड हैं
ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर से, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के नेचर से। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के फंडामेंटल्स और मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करूँगी। सो बी ट्यून टू माई चैनल। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रीसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।